तो ये मेरे पास 76-year-old पेशेंट आए थे और ये बहुत कॉमन इंजरी होती है, इसको कहते हैं हिप फ्रैक्चर, यानी कूल्हे की हड्डी टूट जाना। और इस टाइप के फ्रैक्चर को कहते हैं इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर, तो उसकी गोले की हड्डी टूट जाना। और इसका जो इलाज होता है उसका होता है कि आधा जोड़ डालना। अब पुराना ज़माना चले गया कि पुराने किस्म के जोड़ आते थे, पहले हम लोग सटका देते थे अंदर, उसे मरीज चलता था और तकलीफ में भी काफ़ी रहता था। मगर अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, या तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं पूरे जोड़ को चेंज करना, या फिर ये आधा जोड़ डाला है, इसको हम बाइपोलर कहते हैं और सीमेंटेड बाइपोलर कहते हैं। ये जो हिस्सा है नीचे का, इस पर बोन सीमेंट लगी हुई है और ये ऊपर जाके इसके गोले का अगर साइज देखेंगे तो ये दो हिस्सों में होता है। उसकी एडवांटेज ये है कि मोबिलिटी ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो पेशेंट को इरिटेशन कम होती है, दर्द कम होता है, और सबसे ज़रूरी बात है डिसलोकेशन नहीं होती। तो अब दो हफ्ते हो गए ना तकरीबन, ये समझे गए ये 22 तारीख दो हफ्ते हो गए। तो आज हम आपके स्टिचेस को तो रिमूव कर देंगे और आज से हम आपको घर चल ही रहते हैं, मुझे ज़रा आप चल के दिखाएगा कि किस तरह चल रहे हैं। ऑपरेशन के कितने दिन बाद वजन डालना, जब गोला चेंज किया तो कितने दिन बाद वजन डालना शुरू कर दिया था? दूसरे दिन पूरा वजन डाल के चलना शुरू कर दिया। आइए आइए वापस।